देश सहित छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का रहनुमा नंद कुमार सॉय आज खासी उमंग के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिए हैं। सॉय के कांग्रेस प्रवेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आना लाजमी था। गौरतलब है कि नंद कुमार सॉय 3 बार विधायक, 3 बार सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। इसके साथ ही वे बहुत बड़े आदिवासी चेहरे भी हैं जिन पर पूरा समुदाय विश्वास करता है। सॉय ने साफ तौर पर जिक्र करते हुए कहा है कि बीजेपी अब अटल और आडवाणी की पार्टी नहीं रह गई, इसमें केवल अब जुझारू नेताओं को दरकिनार किया जाता है। ऐसे में बीजेपी के सभी पदों से त्यागपत्र देकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आज उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राजीव भवन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी और मजदूरों के लिए पूरे जीवन संघर्ष करने वाले नंद कुमार सॉय ने मजदूर दिवस के दिन कांग्रेस की सदस्यता ली है। उनका जीवन सादगीपूर्ण रहा, वह नमक नहीं खाते तो किसी का नमक लगने का सवाल ही नहीं उठता। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है, वरिष्ठ कार्यकर्ता की छोड़ने पर पार्टी को नुकसान तो होता ही है। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों ने लगातार कोशिश की है, अब कांग्रेस में चले गए हैं तो कांग्रेस के काम से ही प्रभावित होंगे। कांग्रेस वो बहुत सारे कामों को मैंने गिना, तो काम अच्छा कर रहे हैं, हमारी रुचि है और जो कौन कौन काम कर रहे हैं सब मिलकर छत्तीसगढ़ में गरीब कमजोर लोग, पहाड़ों में जंगलों में रहने वाले लोग, कोरवा कमार बिहोर पंडो बैगा ये सबसे पिछड़ी में भी जाति है, उनको भी शिक्षित करके हम ऊपर उठाएं और पूरे देश में प्रदेश में उनका सम्मान बढ़े, उनकी स्थिति ठीक हो। उनके साथी के बारे में ये कहना चाहूँगा, अनाज तो खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते किसी का। आदिवासियों की सेवा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, सार्वजनिक मंचों में भी मीडिया के माध्यम से कांग्रेस सरकार के किए गए कार्यों के वो भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है, हाँ एक वरिष्ठ नेता है, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं। यही कहूँगा कि यदि पार्टी छोड़ा है और 40-50 साल का मेहनत तपस्या छोड़ के जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आज बीजेपी की तरफ से मैं यही कहूँगा कि मेरी शुभकामना उनके साथ। अब कांग्रेस में चले गए तो तारीख यहाँ लेते छोटा सा ब्रेक चलो।